सकते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा आप चलने में किसी क्रांति में निकला, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हम तो पत्रकारों के लिए हमेशा एक शेर कहते हैं कि आंधियां गम की चलेगी तो समर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। देखिए नमो प्रेरणा स्थल जो बनने जा रहा है नमो वात्सल फाउंडेशन के तहत, आज मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और जहां ऊर्जा होता है शक्ति वही होती है, हम उसी को शक्ति मानते हैं जहां जिसके पास ऊर्जा होता है। मोदी जी के ऊपर चंद शब्द बताता हूं कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष ऐसा महामानव इस पृथ्वी पे बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है, और जहां जहां भारत के धार्मिक स्थल जर्जर है उसको चमकाने आया है। ऐसा तो नमो प्रेरणा स्रोत के बारे में बताना चाहेंगे, जैसा कि देखिए नमो प्रेरणा स्थल पहले तो मीडिया में बहुत जगह आया इस देश में कि मैं मोदी जी का मंदिर बनाना चाह रहा हूँ। मैं मोदी जी का ही मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उनके कामों का मंदिर, उनके प्रेरणा का मंदिर, जहां जिस मंदिर में जाके लोग वो लगे कि एक व्यक्ति, कभी कभी मैं कहता हूँ आप सोचिए कि 70 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने घर का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 10 साल का हुआ तो उस माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में। वह बेटा आज देश का नहीं विश्व का सबसे ताकतवर आदमी है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक शक्ति, शक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और शक्ति की पूजा सब करते हैं, और हमारे जो हृदय हृदय में हमारे तो रोम रोम में भाई मोदी इसलिए बसे हुए हैं कि मैं सिख भक्त, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ जाऊंगा और उसका ये स्वरूप, सपने में भी नहीं सोचा था कि महाकाल जाऊंगा और उसका वो स्वरूप होगा। इस बारे में गुरु तो हम है नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वो भी एक शिव भक्त है, मैं भी एक शिव भक्त हूँ, तो वैसे हम शिव बंधु हुए हैं, गुरु और शिष्य तो है नहीं। ये उनका बड़प्पन है, वो गुरु के स्तर पे देख रहे हैं, बट मेरी जगह पे मैं गुरु नहीं उनका, हम शिव बंधु हैं। और ये जिस मार्ग पे वो चले हैं नमो वात्सल्य फाउंडेशन के हिसाब से, जो उनका काम आगे चल रहा है उसमें वो अपनी जिस हिसाब से जी जान डाल के कार्य की और बढ़ रहे हैं, वो मुझे बात बहुत उनकी अच्छी लगी। इसलिए कुछ स्तर पे जितना मुझे हो सके मैं इस नमो वात्सल्य फाउंडेशन की तरफ से उनके कार्य में मेरी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट करने के कोशिश कर रहा हूँ। तो भीमा शंकर में जैसे उनका सानिध्य है या जहाँ पे वो चाह रहे करना, तो हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ हेल्प करने का। जी और कोई जिस तरीके से शिव मंदिर, नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा, लाइब्रेरी, लोगों की सेवा करने के लिए नमो वात्सल का स्थापना है, आप आए हैं, इस कार्यालय की ओपनिंग हुई है, क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामनाएं तो बहुत है उनके साथ में, क्योंकि जिस जगह पे वो नमो प्रेरणा स्थल बनाना चाह रहे हैं वहीं हम एक वेलनेस सेंटर का भी ओपनिंग है, वहाँ पे हमारा खुद का वहाँ पे वेलनेस सेंटर और एक आध्यात्मिक जगह हम ऑलरेडी बना रहे हैं, और उसी जगह पे इनका और हमारा संकल्प एक जुड़ गया, तो उसी जगह पे हम उसको एक नमो प्रेरणा स्थल के रूप में वहाँ के आसपास के पाड़ा में। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन के आदेशों पर ही चलता है, और मैं एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर पार्टी के सभी आदेश का पालन करता हूँ, जो जो समय समय पर संगठन से जिम्मेदारी मिलती है, ऐसे सभी कार्य को ईमानदारी के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सभी साथियों के सहयोग से हम लोग करते आ रहे हैं। अब फिलहाल आने वाले रविवार को, इसी महीने के अंदर जो आखिरी रविवार होता है, जिसके अंदर हमारे मोदी जी की मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका 100वां एपिसोड है, उस 100वें एपिसोड को हम लोग बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, और हम लोगों ने तय किया है कि 100 बड़े कार्यक्रम हमारे
इस शहर के अंदर हम मन की बात के आयोजित करेंगे और ऐसे कई सारे कार्यक्रम है, जनता की सेवा है, समर्पण के भाव से हमें सभी कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। और बूथ कमेटी का जो कार्य है वो लगभग पूरा होने आया है। अब आज के समय के अंदर मीरानगर शहर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा मजबूत जाल है कि किसी भी कोई भी योजना हो या कोई भी परेशानी अगर उसे दूर करना है तो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं ऑटोमेटिक मोड पर और जनता को उसका समाधान मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो सोच है ग्राउंड लेवल तक यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसका जो परिणाम आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में शत प्रतिशत भाजपा के रूप में देखने को मिलेगा। और मन की बात की क्या तैयारी है आपकी? सारी तैयारी अभी आपने देखा होगा वोट देखने के जिसके बाहर बहुत सारे फ्लैक्स लगे होंगे आपको, इसका बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ। किसी ने मुझसे पूछा खान मार्केट में क्यों, हमने कहा खान मार्केट इसलिए मैं कर रहा हूँ उसका नाम खान मार्केट लिखा। ऐसा नहीं है कि सब उस बल के लोग गलत ही होते हैं, उस बल के बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मोदी जी को अल्लाह मानते हैं। मैं साबित कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हमारे हैं, भाई हैं, जो कहते हैं यार जो जीवन में कभी नहीं सोचा था वो मुझे मिला है, मैं क्यों उनको जो है सो गलत मानू। तो मैं खान मार्केट के एसोसिएशन का एक अध्यक्ष है, हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, खान मार्केट में बड़ा दिव्य रूप से मैं मोदी जी के मन की बात है ये स्वाभाविक सोच है। हम सबों का आभार प्रकट करते हैं। और किसी ने हमसे पूछा कि फीता कौन काटेगा, हमने कहा जिसको फीता काटना है वो पहले ही ऑफिस में आके स्थापित हो चुके हैं। हमारे भगवान नरेंद्र भाई मोदी, कई बार लोगों ने हमसे पूछा आप उनको भगवान कैसे मानते हैं, मैंने कहा आपने प्रभु श्री राम को देखा नहीं देखा, हमने भगवान को देखा। प्रभु श्री राम जी भी इस संसार में राजा का बेटा बनकर एक मानव शरीर धरकर ही आए थे, जिनको आज उनका फिर बाद में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, हमारे आराध्य हो गए। उसी तरह से मैं मानता हूँ आज विश्व में हमारे शिव जी का सबसे बड़ा कोई दूत है, मैं नरेंद्र भाई मोदी को मानता हूँ। बचपन में जाता था काशी विश्वनाथ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में वो जल का लोटा होता था और गली में इतनी भीड़ होती थी कि लोटा रास्ते में रह जाता था, बाबा तक पहुंच भी नहीं पाते थे। आज काशी विश्वनाथ का वो स्वरूप, महाकाल का वो स्वरूप, केदारनाथ का वो स्वरूप और भीमा शंकर में जो कॉरिडोर बन रहा है किसने किया 400 साल के बाद, अहिल्याबाई होलकर जी के बाद क्या हमारे देश में 400 साल में कोई शासक नहीं हुआ, राजा नहीं हुए? ये सब काम किया है हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। और बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा वही तो भगवान है, जो अच्छा कार्य करेगा वही तो भगवान है। और ये नमो वात्सल जो हमारा फाउंडेशन है, हमारा मुख्य मकसद क्या है कि मोदी जी का वो जो जैसा उन्होंने कहा अभी हमारे अध्यक्ष ने कि सामने शिव जी का बड़ा सा स्वरूप होगा और वो स्वरूप आप इस ऑफिस में भी देख रहे होंगे। और एक बगल में मैं बहुत बड़ा पुस्तकालय बना रहा हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगभग 350 से ऊपर किताबें लिखी गई, इसमें उनका पूरा किताबों का संग्रह रहेगा। उसी मंदिर के बगल में मैं ओपन थिएटर बना रहा हूँ जहाँ 200 निःशुल्क लोगों को दिखाया जाएगा और भीमा शंकर में कर रहा हूँ। भीमा शंकर के आसपास में कितनी गरीबी है आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, मैं वैसे लोगों को ला के वहां मोदी जी का जीवन चरित्र दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं ना कि जहाँ सदियों से अंधेरा है वहां मैं रोशनी पहुंचाना चाहता हूँ, तो सिर्फ मोदी जी का काम थोड़े, ये भगवान का काम थोड़े, ये तो हम जैसे मनुष्य का भी काम है, हम जैसे कार्यकर्ता भी काम है कि मनु मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। मोदी जी की जितनी योजनाएं आज सही में अगर देश में हर हमारा जनप्रतिनिधि, हर हमारा लीडर अगर आज सोच ले, संकल्प ले ले एक सप्ताह के अंदर जितनी भी मोदी जी की योजनाएं और हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उसको लाभान्वित कर दे, हमारा देश तो ऐसे ही जिसको आजादी तो नहीं कह सकते लेकिन हमारा देश तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा। तो उनकी सारी योजनाओं को, उनके सारे विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना ये नमो वात्सल का कर्तव्य होगा। बहुत
एक सवाल, रवि जी, जब से आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है भारतीय जनता पार्टी, काफी कुछ परिवर्तन देखने